60 kilometers away from Surat, Pipariya hamlet has emerged as a smart village in Gujarat. The small hamlet is loaded with all the facilities and the villagers are following Prime Minister Modi's Clean India campaign to keep it clean. The initiative is a community effort to mobilize the collective strengths of people from various streams and integrate it with infrastructure to provide benefits to the rural community. Mananiya Modi sahab, unka jo constituency Varanasi mein ek Jayapura gaam ko sahab ne develop kiya. तो मैंने एक बार YouTube में उसका स्पीच एंड उसका कॉन्सेप्ट पूरा देखा तो फिर मेरे को लगा कि जब मैं जिला विकास अधिकारी के तरीके सूरत में काम कर रहा हूँ दो तीन साल मेरे को लगा कि वन मॉडल विलेज डेवलप करना है जो ट्राइबल एरिया होगा जो बहुत इंटीरियर होगा जहाँ लोग भागीदारी से पैसा नहीं मिल सकता है बट पूरा सरकारी पैसा यूटिलाइज करके जैसे मनरेगा 14th फिनांस कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट का बाकी स्कीम्स जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री उजाला योजना प्राइम मिनिस्टर का जो भी इंश्योरेंस का स्कीम्स है स्टेट गवर्नमेंट्स का स्कीम्स है प्रधानमंत्री आवास योजना जितना भी स्कीम्स है उसको मर्ज करके मेरे को सिर्फ सरकार का पैसा से लोग अपना विकास उनका खुद का हाथ में लेके एक गांव डेवलप हो सकता है बोल के मेरे को साबित करना है एंड आज आप जिस गांव में हो जो पिपरिया गांव है ये जो हाईवे से नियरली 15-16 किलोमीटर इंटीरियर है सिर्फ 75% ट्राइबल पॉपुलेशन है ऐसा गांव को हमने सिर्फ सरकारी पैसा से लोगों ने खुद डेवलप किया The entire village was developed with the help of various government schemes. Pipariya village is the best example to showcase utilization of government schemes without investing more funds. The project has also generated employment for the villagers. हमारा जो गांव डेवलप हुआ है उसमें पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बाद लोगों की सुखाकारी लोगों को रोजगारी मिले अच्छी लाइफ जी सके ये सब यहाँ पे आ गया है इसके लिए हमने अपना जो गौचर है वो डेवलप किया हुआ है उसके हिसाब से और पशुधन जो है पशुधन के सुमूल ने हमको बिना ब्याज वाली लोन दी है उसके हिसाब से हम पशुधन उनको दे के पशुधन में से रोजगारी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके ऐसी एक योजना हमने यहाँ पर लागू की है